हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सब लोग। तो आज हम अपना न्यूमेरिकल्स पहले चैप्टर का जो है बाकी के न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। तो आज के न्यूमेरिकल्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यूज़ करने वाले हैं जो हमने एरर्स देखा था, ऐसे एरर्स कैलकुलेट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स देखा था हम लोग ने, एडिशन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, वो सब हम लोग देख लेंगे और उसके ऊपर आज हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक लगा लो, क्या क्या हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं किस किस पर सॉल्व करने वाले हैं, हम लोग यूज़ करने वाले हैं एक तो एरर्स के ऊपर, तो एरर्स के जितने फार्मूला सब हमें याद होने चाहिए। उसके बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में हम डेरिवेशन नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ लास्ट एंड रिजल्ट। ठीक है, तो फटाफट हम लोग रिवाइज करते हैं। एरर्स में फार्मूला क्या क्या थे, हमने मीन निकालना सीखा था, वैल्यू मीन वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे, सबमिशन ऑफ ऑल दी वैल्यूज़, जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ दी होती है उन सबका सबमिशन डिवाइड बाय उतना नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारी वैल्यू निकाल ली थी, मीन वैल्यू ऐसे निकालते थे हम लोग। फिर उसके बाद में हमें डेल मतलब एब्सोल्यूट एरर जिसको हम लोग बोलते थे, एब्सोल्यूट एरर निकालने भी आता था। एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या था, एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला था जो भी हमारे पास जो भी वैल्यूज़ है, ठीक है, जो भी हमें बस मीन वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किया ऊपर, उसमें से हम लोग एक एक वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं और एक एक वैल्यू का हम लोग वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। करेक्ट है, मीन वैल्यू से माइनस कर दिया A1 वैल्यू, अगर मुझे A2 निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ए मीन से A2 माइनस कर दूंगा। मॉड है तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा वैल्यूज़। ओके, ये था हमारे पास एब्सोल्यूट निकालने का वैल्यूज़ फार्मूला था। उसके बाद में हमारे पास फार्मूला किसका था, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का फार्मूला भी था जिसको हम लोग बोलते थे ए डेल मीन, ये था हमारे पास जिसको हम लोग डिनोट करते थे। फार्मूला क्या था, डेल A1 प्लस डेल A2 सो ऑन डिवाइड बाई नंबर ऑफ जो भी था हमारे पास ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद में हम लोग ने क्या दिखा था, रिलेटिव एरर निकालना सीखा था। रिलेटिव एरर का फार्मूला क्या था, फटाफट हम लोग ये रिवाइज कर रहे हैं, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, रिवाइज कर रहे हैं। डेल मीन डिवाइड बाय ओरिजिनल मीन वैल्यू, ठीक है, यही हमारा फार्मूला था। करेक्ट है, यही हमने सीखा था। अभी हमें पास परसेंटेज एरर निकालना है, तो क्या निकाला था, परसेंटेज एरर हमें कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एरर मिल जाएगा। करेक्ट है, याद आ रहा है पक्का। अभी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में हम लोग ने क्या क्या सीखा था, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में हम लोग में सम और डिफरेंस में क्या सीखा था, सम एंड डिफरेंस में हमें क्या आउटपुट मिल रहा था, हमें मिल रहा था एडिशन ऑफ दैट एरर्स, ठीक है, जो कि हमारे पास डेल जेड इज इक्वल्स टू डेल ए प्लस डेल बी, यही मिल रहा था चाहे सम में हो चाहे डिफरेंस में हो। करेक्ट है, दोनों के लिए हमें सेम ही मिल रहा था। फिर हमने देखा था डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, याद आ रहा है डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, उसमें हमने क्या देखा था, अगर मेरे पास कुछ मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या मुझे मिल रहा था, ये था जेड इज इक्वल्स टू ए इंटू बी और जेड इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई बी, तो हमें क्या मिल रहा था फार्मूला, डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, यही मुझे मिल रहा था चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो चाहे डिवीजन में हो। याद आया, फार्मूला रिवाइज हो गए। चलो अभी हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। फार्मूला नहीं लिखा है तो लिख लो, ठीक है, फार्मूलाज नहीं लिखा है तो लिख लो। चलो स्टार्ट करें हम अपना सेशन। ओके, तो अभी देखो हमारे पास पहला सम आ जाएगा, ठीक है, देखो अभी आपको पहला सम दिख रहा है, ठीक, तो अभी देखो पहले सम में हमें क्या बोल दिया गया है, द मास ऑफ टू बॉडीज आर मेजर्ड टू बी, हमें दो वैल्यूज दे दी है, व्हाट इज़ द टोटल मास ऑफ द टू एंड द एरर इन इट, तो हमें क्या बोल दिया गया है, हमारा क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर थ्री का पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल दिया गया है, हमें दो मासेस दे दिया गया है, इसको मैं बोल दूँ M1, ठीक है, इज इक्वल्स टू कैपिटल M इज इक्वल्स टू 15.7 प्लस माइनस 0.2 और फिर दूसरा मुझे दे दिया है 27.3 प्लस माइनस 0.3। ओके, हमें क्या बोला गया है, टोटल मास निकालने बोला गया है, टोटल मास, और क्या बोल दिया गया है, एरर इन इट, ठीक है, तो अभी हमें क्या मालूम है, हमें ये वैल्यू मालूम है, हमारे पास एक वैल्यू होती है तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, एक वैल्यू हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, मीन वैल्यू प्लस माइनस क्या होता है, डेल होता है। करेक्ट है, डेल सॉरी ये नहीं, ये लिखते हैं हम लोग, अगर मेरे पास कुछ वैल्यू दी है तो उसमें हमारे पास एक ओरिजिनल वैल्यू होती है और एक प्लस माइनस डेल एम होती है, ठीक है, कुछ वैल्यूज़ होती है और उसमें कुछ उसका एरर होता है। करेक्ट है, ऐसे हम लोग लिखते हैं, तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दे दिया है, पहले हमने मेजर किया तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू इतना आया 15.7, उसमें थोड़ा सा एरर आया, कितना आया 0.2 एरर आया,
दूसरी बार हम लोग ने मेजर किया जिसको हम लोग ने M2 बोल दिया, इसको M1 बोल दो, उसमें कितना मेजर आया, उसमें 27.53 आया, प्लस माइनस थोड़ा सा एरर कितना आया 0.3 का आया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या बोला, हमें टोटल मास फाइंड आउट करने बोला। तो टोटल मास हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग बोल देंगे टोटल मास, लिखो आप लोग टोटल मास इज इक्वल्स टू एम वन प्लस एम टू, कोई इशू इसमें। अभी एम वन प्लस एम टू खाली हमें क्या बोला है, मास का एडिशन करने बोला है, एरर का एडिशन करने नहीं बोला है। तो हम लोग मास का एडिशन, ये हमारे पास एम वन है, ये हमारे पास एम टू है, करेक्ट है। तो मैं कर दूंगा सिंपली 15.7 प्लस 27.3, आंसर क्या मिल जाएगा आपको जल्दी बताओ, 43 kg, क्या मिल गया मुझे, टोटल मास मिल गया मुझे, करेक्ट है। अभी देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारे पास क्या बोल दिया गया है, एरर निकालो, ठीक है, एरर इन दी मास। तो एरर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरर इन मास मेजर वर्ड क्वांटिटी प्लस, दोनों एडिशन करने वाले हैं तो एडिशन में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एडिशन कर लेते हैं, एरर इन मेजरमेंट टू, यही है हमारे पास फॉर्मूला। तभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमारे पास कितना दिया, पहले में 0.2 बोल दिया गया है बराबर, इसमें हमें कितना बोल दिया है 0.2, और सेकंड में हमें कितना बोल दिया है 0.3, टोटल कितना बन गया 0.5, समझ में आया, ठीक है। तो अभी मुझे ओरिजिनल वैल्यू भी मिल गया और ये भी मिल गया, तो मैं बता सकता हूँ कि मैं बस टोटल प्लस माइनस डेल एम कितना बन गया, टोटल मेरे पास एडिशन करने के बाद में मिल गया 43 प्लस माइनस 0.5 kg, ठीक, समझ में आ गया पहला सम, सॉरी समझ में आ गया पहला सम, पक्का पक्का समझ में आ रहा है, चलो नोट डाउन कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, कर लिया नोट डाउन, चलो अभी देखो आपकी स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन आ रहा है। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, इन अ वर्कशॉप अ वर्कर मेजर द लेंथ ऑफ अ स्टील प्लेट विथ अ वर्नियर कैलिबर हैविंग अ लीस्ट काउंट ऑफ 0.01, ठीक है। तो हमें एक चीज़ दे दी गई है जिसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट मैंने पहले ही बताया है, अगर मेरे पास एक 15 मीटर की स्केल है तो उसमें सबसे छोटी वैल्यू हम लोग कौन सी कैलकुलेट कर सकते हैं, एमएम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, 1 mm कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो स्केल का क्या हो गया, लीस्ट काउंट हो गया, करेक्ट है। तो अभी यहाँ पर एक वर्कर है जिसने एक स्टील प्लेट को मेजर किया एक स्केल से, वर्नियर कैलिपर एक स्केल है, ठीक है, जिसका लीस्ट काउंट क्या दिया है हमें, जिसका लीस्ट काउंट बोल दिया 0.01 cm, ओके। तो फोर सच मेजरमेंट ऑफ द लेंथ लेट दी याड दी फॉलोइंग वैल्यूज, अभी उसने चार ऐसे मेजरमेंट लिए जो कि क्या है 3.11, 3.13, 3.14 और 3.14, ये चार वैल्यूज दे दी है। फाइंड दी मीन लेंथ, फाइंड दी मीन एब्सोल्यूट एरर एंड दी परसेंटेज एरर इन दी मेजर्ड वैल्यू ऑफ दी लेंथ। तो अभी हमें देखो क्या क्या बोल दिया गया है, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, सब वैल्यूज दे दिया, मीन भी फाइंड आउट करना है, एब्सोल्यूट एरर भी फाइंड आउट करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर भी फाइंड आउट करना है और परसेंटेज एरर भी फाइंड आउट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में कितवा सम, यह है हमारा छठा सम, ओके। चलो सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, पहले गिवन लिख लेते हैं, हमारे पास गिवन में क्या क्या दे दिया है, फिर बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं, ओके चलेगा। चलो गिवन लिखो फटाफट, गिवन लिखो, क्या क्या दे दिया हमें गिवन में, गिवन में क्या क्या दे दिया है, उसने मेजर क्या क्या किया है, मेजर कर लिया उसने, मैं यहाँ पर वैल्यूज लिख जाता हूँ, ए वन 13.11 cm, ए टू 13.313 cm, ए थ्री कितना दिया है 13.14 cm, ए फोर कितना दे दिया है 13.14 cm। मैं आपको एक मिनट दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करो, हमने सब फॉर्मूलाज अभी डिस्कस किए, सिर्फ फॉर्मूला में क्या करना है, पुट करते जाना है, करेक्ट है। चलो सॉल्व करो फटाफट, पॉज करो वीडियो को, बिना पॉज करे करो, किया किया, चलो हो गया, नहीं किया ना, स्टॉप करो, पॉज करो वीडियो, वेरी गुड, चलो जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है, अभी से वेरीफाई करो कि क्या क्या आंसर आ रहा है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करने बोला है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर, अभी यहाँ पर चार है तो मैं डिवाइड बाय क्या करूँगा, फोर कर दूंगा। तो अभी इसको हम सिंपली एडिशन कर लेते हैं, 3.11 प्लस 3.13 प्लस 3.14 प्लस 3.14, ये हो गया, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, फोर, ठीक है, आ रहा है समझ में आ रहा है। अभी इसका आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा 12.52, एडिशन कर लो, डिवाइड बाय फोर, इसको भी आप लोग डिवाइड करोगे तो 13.13 cm आपका मीन वैल्यू आ गया, ठीक है। तो आप लोग ऐसे लिखोगे, ए मीन इज इक्वल्स टू 3.13 cm, ठीक है, ये हमने लिख दिया, समझ में आया, समझ में आया पक्का,
चलो अभी आगे करते हैं हम लोग। मीन वैल्यू निकाल ली, अभी हमें क्या वैल्यू निकालने बोली है? एब्सोल्यूट एरर निकालने बोला है। क्या बोल दिया गया हमें? एब्सोल्यूट एरर निकालने बोल दिया गया है। ओके, तो देखो अभी एब्सोल्यूट कैसे निकालेंगे हम लोग, स्टार्ट करते हैं हम लोग। एब्सोल्यूट निकालते हैं, अभी हमें मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने बोला गया है। क्या बोला गया? मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने बोला गया है। अभी मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक वैल्यूज़ में एरर कितना है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा मुझे। इसका मतलब मुझे पहले एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर बाद में मैं मीन एरर निकाल सकता हूँ। ये हो गया मीन एरर का फॉर्मूला। ओके, बराबर है। तो मैं पहले डेल ए वन ए टू ए थ्री ए फोर निकाल लूँ, तो वो क्या होता है? डेल ए वन इज इक्वल्स टू क्या था? ए मीन वैल्यू, जो हमने मीन वैल्यू निकाली थी, माइनस ए वन, करेक्ट है। तो हमारे पास मीन वैल्यू क्या आ गई है? मीन वैल्यू आ गई है 13.13, माइनस कर लो 3.11 से, कितना आ गया वैल्यू? कितना आ गया? 0.02 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम लोग डेल ए टू भी निकाल सकते हैं। डेल ए टू में क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू? कितना है? 13.13 माइनस करेंगे 13.13 से, तो क्या आ जाएगा? ज़ीरो। डेल ए थ्री से क्या आ जाएगा? डेल ए थ्री में 0.01 आ जाएगा, और डेल ए फोर में क्या आ जाएगा? 0.01। आप लोग ये स्टेप बाय स्टेप करो, मैं आपको डायरेक्ट लिख के दिखा दिया, ठीक है। तो हमें चारों वैल्यू मिल गई, अभी हम लोग फार्मूला में रख लेते हैं। फार्मूला में रखने के बाद क्या मिल जाएगा हमें? यहाँ पर 0.02 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस 0.01 डिवाइड बाय 4। ओके, अभी डिवाइड बाय 4 की ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास कितने काउंट है यहाँ पर? चार नंबर्स है। पाँच होते तो पाँच करते, चार वैल्यूज दिए। ओके, समझ में आ रहा है ना क्यों हम लोग चार से कर रहे हैं डिवाइड? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने भी दिए होंगे। ओके, गेटिंग इट? अभी चलो इसको सॉल्व करो, एडिशन कर लो। एडिशन करने के बाद में यहाँ पर 0.04 आ जाएगा डिवाइड बाय 4, और इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आपका आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर? 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर, ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? ए मीन वैल्यू फाइंड आउट कर ली, मिनिमम मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ में आया कैसे किया हम लोग ने? सम बड़ा है लेकिन ईजी है, ठीक है। सम क्या है? सम बड़ा है लेकिन ईजी है। अभी हमें क्या फाइंड आउट करने बोल दिया है? परसेंटेज एरर। क्या फाइंड आउट करने बोल दिया है? परसेंटेज एरर। अरे परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या लगेगा? रिलेटिव एरर लगेगा। क्या लगेगा? रिलेटिव एरर, और उसको हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? रिलेटिव एरर फाइंड आउट करो। क्या करो? रिलेटिव एरर फाइंड आउट करो। उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? डेल मिनिमम, जो भी हमारे पास डेल मीन वैल्यू है, डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू। सब मेरे पास है ऑलरेडी, क्या करोगे आप लोग? क्या करोगे? रख दो वैल्यूज, ठीक है। तभी मैं यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लिख लेता हूँ, क्या जाएगा? परसेंटेज ऑफ एरर। परसेंटेज एरर निकालना है तो ये मेरे पास फार्मूला आ गया, डिवाइड बाय ए मीन इनटू 100। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज रख दूँ, वैल्यूज़ क्या है? 0.01, और ए मीन की वैल्यू क्या मिली थी हमें? 3.13 इनटू क्या कर दूँ? 100। अभी आप लोग इसको सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा? मुझे आंसर आ रहा है 0.31 परसेंटेज ऑफ एरर। कितना आ रहा है? 0.31, ठीक है। अभी देखो हमारे बुक में इसका आंसर थोड़ा सा गलत दिया है, 1.3% दे दिया है, ठीक है। तो देखो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आप लोग अच्छे से करना। ओके, समझ में आया? ये देखो, सॉरी आपको दिखा नहीं, देखिए अभी देख लिया, इजी है, हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन करते हैं अभी हम लोग, फाइंड दी परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी आपको देखो क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरर इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी हैविंग मास, हमें मास दे दिया है, मूविंग विद अ वेलोसिटी, कुछ हमें वेलोसिटी दे दी है, ओके, सेंटीमीटर पर सेकंड और एक ग्राम में। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरर फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी में, परसेंटेज ऑफ एरर। हाँ, तो परसेंटेज ऑफ एरर हमें फाइंड आउट करना है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है, इसमें हमें थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाना है और हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं, पहले गिवन लिख लेते हैं, फिर सोल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर थ्री का सेवन्थ क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर थ्री का सेवन्थ क्वेश्चन है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें परसेंटेज ऑफ एरर इन काइनेटिक एनर्जी, बराबर है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अभी इसके पहले इसका मतलब क्या हो गया परसेंटेज एनर्जी में? इसका मतलब मुझे के काइनेटिक एनर्जी, डेल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय के काइनेटिक एनर्जी इनटू 100, ये मुझे फाइंड आउट करना है। क्या करना है? ये चीज़ मुझे फाइंड आउट करनी है। अभी ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि मुझे क्या मिलेगा? इसका फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? हाफ एम वी स्क्वायर होता है,
ठीक है। अभी यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, अभी मुझे एरर निकालना है, तो एरर कैसे निकालेंगे, ये हो गया डेल, इसका वैल्यू डिवाइड बाई ये, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू। अभी यहाँ पर मास भी दे दिया और वेलोसिटी भी दे दिया है, तो मास का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, अभी यहाँ पर देखो मल्टीप्लीकेशन में, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, हम लोग क्या एरर में कैसे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में मल्टीप्लीकेशन में, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, अभी पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं, हमें दिया है मास एम डेल एम इज इक्वल्स टू 60 प्लस माइनस 0.3, ओके। और क्या दे दिया हमें ग्राम्स में, वी प्लस माइनस डेल वी, वो किस में दे दिया हमें 25.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड्स में दे दिया है, ये 60.0 दे दिया, ओके। ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला से हम लोग देखो क्या करेंगे, अभी हमने देखा था सब फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखो, के ई हाफ एम वी स्क्वायर। अभी हाफ क्या है, हाफ कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, कुछ नहीं करेंगे इसका। अभी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर आ गया डेल के ई अपॉन ई के ई, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अभी हाफ को कुछ नहीं करना है, हटा देना है, तो यहाँ पर मास है, तो मास डेल एम अपॉन एम। अभी यहाँ पर देखो पावर वाला भी हमने देखा था, पावर वाले में क्या था, ये पावर आगे की तरफ आ जाता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल वी अपॉन वी, हमने ये देखा है पावर वाला भी, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में कि पावर में होगा तो क्या करेंगे हम लोग, तो पावर में पहले पावर सॉल्व कर लेंगे और मल्टीप्लीकेशन में तो एडिशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कि हम लोग ने, एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ आपको मैं। यहाँ पर अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सिंपली फार्मूला पुटअप कर देंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे, डेल एम कितना दिया है 0.3, तो यहाँ पर 0.3 पुटअप कर दिया हमने। फिर बाद में क्या दिया हमें 60 रख दिया, फिर प्लस 2 इंटू डेल वी कितना दिया 0.1 और वी कितना दे दिया 25। समझ में आया पक्का, अब इसको सॉल्व करते हैं 0.360। अभी यहाँ पर आप लोग जब सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर आप लोग जब पूरा सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लाई कर लो 0.225। जब आप लोग इसको और सॉल्व कर लोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 3.9 डिवाइड बाय, ठीक है, आप लोग कैसे भी कर लो, एलसीएम लेके करो, जैसे भी करो, जैसे आपको जमे, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 3.9 डिवाइड बाय 300, ठीक है, एलसीएम लेकर कर लो, ईजी हो जाएगा, ओके। ये हमें क्या मिल गया, ये एरर मिल गया, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ एरर, ये हमें रिलेटिव एरर मिल गया, हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ एरर, तो हम लोग क्या करेंगे इनटू 100 कर देंगे, क्या करेंगे इनटू 100, तो यहाँ पर क्या जाएगा 3.9 डिवाइड बाय 300 इनटू 100, अभी क्या बन गया 000 कैंसिल, बचा गया 3.39 डिवाइड बाय 3, बचा गया 3 1 जा 3 3 जा, आंसर आ गया परसेंटेज ऑफ एरर इन काइनेटिक एनर्जी 1.3%। समझ में आया पक्का, समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई भी इशू अभी तक, यहाँ पर देखो आपको विजिबल नहीं होगा, विजिबल हो गया, ओके, समझ में आ गया। चलो अभी हम लोग आगे का सम करते हैं, आगे का सम अभी आपके बुक में आएगा। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इन ओम्स एक्सपेरिमेंट द वैल्यूज ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस वर फाउंड आउट टू बी 6.22, 6.22, 6.15, ठीक है, हमने मेजर किया ओम्स का वैल्यू, रेजिस्टेंस का वैल्यू, तो हमें ये मिला। हमें फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर इन दिस मेजरमेंट, ओके। तो ये क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 का 8th क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का 8th क्वेश्चन है, ये आपने देख लिया। अभी हम लोग गिवन वैल्यू लिख लेते हैं और फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फाइंड आउट क्या क्या करना है वो देख लो, एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है, ओके, और क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ओके। चलो फटाफट गिवन लिख लेते हैं, गिवन में देखो हमें क्या क्या दे दिया, गिवन में हमें क्या क्या दे दिया, हमें चार वैल्यूज दे दिए। अब इसको मैंने A1 नाम दे दिया, क्या है 6.12, ओके, सेकंड A2 6.09, फिर क्या मिला मुझे, ओम्स डाल दो यहाँ पर, ओम्स, A3 6.22 ओम्स, A4 6.15 ओम्स, ओके। कैलकुलेट, फाइंड आउट क्या क्या करना है हमें, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे एब्सोल्यूट एरर, क्या करेंगे एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करेंगे। तो अभी एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो फटाफट हम लोग ये कर लेते हैं। तो अभी देखो, अभी आपको जो भी क्वेश्चन में बोला गया है सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ओके, तो देखो हम लोग कर लेते हैं अभी, फिर आपको दिखाता हूँ मैं हम लोग क्या क्या करेंगे। अभी एब्सोल्यूट एरर के लिए मुझे क्या मिलेगा, डेल A1, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूँ डेल A1, उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, सबसे पहले मीन वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है, तो मीन वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो मैंने क्या करूँगा, सबसे पहले मीन वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा,
साइड में मीन वैल्यू कैलकुलेट कर लो, क्या है सबका एडिशन, सबका एडिशन प्लस यहाँ पर चार है तो चार से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय फोर, गेटिंग रेट क्या किया अभी हम लोग ने, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 24.58 डिवाइड बाय फोर, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको 6.145 ओम्स, ठीक है। यहाँ पर हमें मिल गई मीन वैल्यू, अभी हम लोग इसमें रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 6.145 माइनस 6.12, ठीक है। तो हमें ऐसे एक एक करके सब वैल्यूज़ मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो मुझे ए डेल ए वन क्या मिल जाएगा, मुझे 6.145 माइनस 6.12। अभी इसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0.025, ओके 0.025। ऐसे ही मैं डेल ए टू भी फाइंड आउट कर लूँगा, क्या मिलेगा मुझे, 6.145 माइनस 6.09, तो मुझे क्या मिल जाएगा बताओ जल्दी, 0.055 ओम्स, ठीक है 0.055 ओम्स, सॉरी आपको दिखा नहीं, ओके समझ में आया क्या किया हम लोग ने। फिर हम लोग ए थ्री फाइंड आउट कर लेंगे, 6.145 माइनस क्या है हमारे पास, 6.22, यहाँ पर एक ज़ीरो डाल लो पीछे तो क्या आ जाएगा आंसर बताओ मुझे, मॉड में है तो पॉजिटिव ही मिलेगा मुझे, तो क्या मिल जाएगा, 0.075 ओम्स, ओके। ऐसे मैं डेल ए फोर पर निकाल लूँ, क्या आ जाएगा मुझे मेरे पास वैल्यू, मैं डायरेक्ट लिख दूँ 0.05 ओम्स। गेटिंग इट क्या किया अभी तक हम लोग ने, ये हो गया हमारा सब, एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया हम लोग ने, क्या निकाल लिया, एब्सोल्यूट एरर। अभी हमें क्या बोल दिया गया है, अभी हमें फाइंड आउट करने बोला है परसेंटेज ऑफ एरर एंड रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या क्या लगेगा, हमें मीन एब्सोल्यूट एरर लगेगा। सबसे पहले हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर देखो आपको बीच बीच में से बोला है लेकिन हमें सब कुछ फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, सब कुछ फाइंड आउट करना ही है, इनडायरेक्टली आपको सब कुछ फाइंड आउट करने बोल दिया है, ठीक है। तो एक एक मिसिंग टर्म है वो सब हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ये मुझे मिल गया फोर, ठीक है, इसको आप लोग यहाँ पर फोर लिख लो, इसको आप लोग सॉल्व करो कितना मिल जाएगा, मुझे मिल गया 0.160 डिवाइड बाय फोर, मुझे आंसर मिल गया 0.040 ओम्स, करेक्ट है। अभी मैं यहाँ से रिलेटिव एरर निकालूंगा, सॉरी रिलेटिव एरर निकालूंगा मैं, तो देखो रिलेटिव एरर क्या मिल जाएगा मुझे, रिलेटिव एरर सॉरी यहाँ पर ज़ीरो आर, ये क्या मिल गया मुझे, डेल ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन इज इक्वल्स टू 0.040, और मुझे पहले वैल्यू क्या मिल गई थी, 6.145। तो मुझे इससे रिलेटिव एरर मिल जाएगी, कितनी मिल गई मुझे रिलेटिव एरर जल्दी बताओ कैलकुलेट करके। आप लोग यहाँ पर लॉग यूज़ कर सकते हो, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ, आपको ये आंसर मिल जाएगा, ओके। अभी इसको मुझे क्या करना है, परसेंटेज एरर निकालना, तो मैं यहाँ पर एक ही लाइन में लिख सकता हूँ परसेंटेज ऑफ एरर। कैसे निकालेंगे हम लोग, इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लोग फार्मूला लिख लेना, आप लोग फार्मूला लिख लेना, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 0. क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 0.65% ऑफ एरर, ठीक है। यहाँ पर लिख दो आप लोग अच्छे से 0.65%, समझ में आ गया, आ गया, बहुत इजी था, नोट डाउन कर लिया एक एक पॉइंट। चलो आगे करते हैं, अभी हम लोग देखो अभी आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा है जो कि क्वेश्चन नंबर थ्री का कितवा क्वेश्चन है, ट्वेल्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री का ट्वेल्थ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन आ गया, इफ़ द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज सम 0.14.00 प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर, रेडियस दे दिया है कुछ सेंटीमीटर्स में, मास दे दिया है, ओके, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी, ओके। तो सब लोग हम लोग लिख लेते हैं एक एक चीज़ कि क्या क्या है हमारे पास, फिर बाद में हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, ओके। चलो गिवन लिख ले हम, तो देखो गिवन में क्या क्या बोल दिया गया हमें, हमें पहले लेंथ दे दी है, लेंथ प्लस माइनस डेल एल कितना वैल्यू बोल दिया गया है, 4.00 प्लस माइनस 0.001। फिर उसके बाद में हमें क्या बोल दिया गया है, रेडियस दे दिया गया है, तो रेडियस को भी हम लोग लिखते हैं आर प्लस माइनस डेल आर, कितना बोल दिया गया है, 0.0250 प्लस माइनस 0.001, ओके सेंटीमीटर्स में, ये भी हमें क्या दे दिया है, सेंटीमीटर्स में। मास दे दिया है, डेल मान एम इज इक्वल्स टू 6.25 प्लस माइनस 0.01, ठीक है ग्राम्स। अभी हम ये सब चीज़ गिवन है ऑलरेडी, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, बहुत इजी है हमारे पास। अभी हमारे पास वॉल्यूम क्या फाइंड आउट करने बोला, डेंसिटी फाइंड आउट करने बोला है,
तो डेंसिटी के लिए फार्मूला क्या आ जाएगा? डेंसिटी के लिए फार्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू एल लिख देंगे, एरिया इंटू लेंथ, तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा, करेक्ट है। तो डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज इन डेंसिटी एरर, तो हमें ये डेल डेल रो अपन रो इंटू 100 ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अभी ये हम लोग यूज़ करेंगे इस फार्मूला को, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। तो देखो ये फार्मूला लिख लो, क्या है फार्मूला? रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू एल। अभी पाई वैल्यू कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। अभी देखो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। डेल रो अपन रो इज इक्वल्स टू, डिवीजन में है तो भी क्या मिलेगा हमें? सेम मिल जाएगा, एडिशन ही होगा, पाई वैल्यू हटा दिया। यहाँ पर देखो स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या आता है? पहले आगे आ जाता है वैल्यू जो रेज़ टू में है, डेल आर अपॉन आर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और पावर वाला भी है, तो तीनों कॉम्बिनेशन ऑफ एरर हमें यूज़ करने हैं। सब सेम ही है, एडिशन होगा सिर्फ, पावर में जो होगा वो आगे वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस डेल एल अपॉन एल। समझ में आया क्या किया हम लोग ने? ये फॉर्मूला समझ में आ गया इतना? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली फटाफट पहले वैल्यू पुट अप कर देंगे। वैल्यू पुट अप करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? डेल एम का वैल्यू कितना है? 0.01। एम का वैल्यू कितना है? 6.25। प्लस 2 इंटू क्या गया यहाँ पर? 0.001 डिवाइड बाय 0.0250 प्लस 0.001 डिवाइड बाय 4.00। अभी हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? आप लोग कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पर आप लोग फटाफट न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, 10 से 0 टर्म है तो हटा लो, वो भी कर सकते हो और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो इसको। तो मैं क्या कर दूँगा यहाँ पर फटाफट, यहाँ पर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 1, यहाँ पर 2, 625 बराबर है। यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 2/25 ये ऊपर वाला टर्म, और फिर यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा? इसको एज इट इज़ रखते हैं, ओके। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पर हम लोग बेस सेम कर लो, बेस सेम कर लो, अच्छा रहेगा। 625 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर? 25 यहाँ पर 225 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर? 50/625। देखो बेस सेम कर लिया हम लोग ने, बेस सेम कर लिया, करेक्ट है। समझ में आ रहा है क्या किया हम लोग ने? प्लस 0.01/4, ओके। तो देखो अभी हमें क्या मिल गया यहाँ पर, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 51/625 प्लस 0.01/4। अब इसको आप लोग सॉल्व करो तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? इसको आप लोग आराम से सॉल्व कर लेना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर? 0.4/625/2500, ओके। मुझे निकालना क्या है? मुझे परसेंटेज ऑफ एरर निकालना है। क्या निकालना है मुझे? परसेंटेज ऑफ एरर निकालना है। तो मैं इसको क्या करूँगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया। इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा? मुझे आंसर क्या मिल जाएगा? मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेट करो, 8.185% निकाल लिया। इजी, कोई प्रॉब्लम अभी तक? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कोई टेंशन नहीं, ओके। बहुत इजी था ना? कोई प्रॉब्लम आई अभी तक? नहीं आई, चलो लिख लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे। इफ द फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, एक फॉर्मूला दे दिया हमें, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। x=4b^3/c^1/3d^1/2 एंड इफ द परसेंटेज ऑफ एरर इज मेजर्ड ऑफ ए बी सी डी आर 2%, 3%, 3%, 4% रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एरर इन एक्स। बहुत ही ईजी क्वेश्चन दे दिया है हमें, सिर्फ आपको समझना है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। बहुत ईजी है, आपको दिख रहा है कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत ईजी है, ओके। तो सॉल्यूशन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास, ये 14th क्वेश्चन है, ओके। तो देखो क्या दे दिया, x=a^4b^3c^1/3d^1/2, ओके। तो यही करेंगे हम लोग। अभी देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर पावर में भी दे दिया, और हमें दिया क्या क्या है? परसेंटेज ऑफ एरर ऑफ ए, क्या बोल दिया गया? परसेंटेज ऑफ एरर ऑफ ए कितना बोल दिया गया? 2%। परसेंटेज ऑफ एरर इन बी कितना बोल दिया गया है? 3%। सी कितना बोल दिया गया है? 3%। और डी में कितना बोल दिया गया है? डी में कितना बोला है? 4%, ओके। देखो ये वैल्यू भी हमें गिवन है, सिर्फ आपको समझना है कि ये वैल्यू हमें दिया गया है, ओके। तभी हमें फाइंड आउट क्या बोला गया है? हमें फाइंड आउट करने बोला गया है परसेंटेज ऑफ एरर कितना है एक्स में। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करने बोला है? डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ये फाइंड आउट करने हमें बोला गया है,
ओके तो कर लेंगे हम लोग फाइंड आउट, बहुत ईजी है। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास फॉर्मूला, अभी इसको हम लोग देखो सॉल्व करते हैं। डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, ये हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। अभी ए रेस टू फोर है, ए रेस टू फोर को हम लोग क्या लिखेंगे, पहले फोर आ गया आगे, फिर डेल ए अपॉन ए करेक्ट है प्लस, अभी मल्टीप्लीकेशन में तो भी प्लस हो जाएगा, बी फिर से रेस टू में तो आगे आ गया डेल बी अपॉन बी, अभी डिवीजन में है तो भी प्लस हो जाएगा, यही था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में हमारे पास वैल्यू, तो क्या आ गया 1/3 आ गया डेल सी अपॉन सी आ गया, प्लस हाफ आ गया डेल डी अपॉन डी आ गया। समझ में आ रहा क्या किया हम लोग ने, पक्का? चलो तो इतना निकाल लिया। अभी देखो हमारे पास क्या दिया है, 4। अभी मुझे परसेंटेज ऑफ एरर निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ एरर निकालना है मुझे, तो ये सब एरर को मल्टीप्लाई, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एरर आ जाएगा, ठीक है। डेल ए अपॉन ए इंटू 100, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी दी है, कितनी दी है यहाँ पर 2% दी है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा 2% प्लस 3 डेल बी अपन बी इंटू 100, परसेंटेज ऑफ बी का हमें वैल्यू दिया है, कितना दिया है 3% प्लस 1/3 इंटू ये डेल सी अपन सी इंटू 100 का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 3% प्लस हाफ इंटू डी का वैल्यू भी दे दिया, डेल डी अपन डी इंटू 100 का वैल्यू दिया 4%। समझ में आ रहा है क्या किया हम लोग ने, सिर्फ परसेंट का वैल्यू हमने लिख दिया फटाफट। अभी यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन गया ये 8% प्लस, ये बन गया 9% प्लस, ये क्या बन गया 3 से 3 मर गया 1% प्लस 2 1 2 2 यहाँ पर 2%। सिंपली एडिशन कर लो कितना बन जाएगा, यहाँ पर ये हो गया 10, ये हो गया 20, कोई प्रॉब्लम इसमें अभी तक, कोई प्रॉब्लम हो गया सम? देखो दिख रहा बहुत हार्ड था लेकिन था बहुत इजी, करेक्ट, दिख बहुत हार्ड रहा था लेकिन था कितना इजी, ठीक है। सिर्फ आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स आना चाहिए तो आप ये सम सॉल्व कर लोगे। चलो यहीं पर इस सेशन को एंड करते हैं, सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में बताना आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ओके। सिर्फ पॉइंट्स को अच्छे से देखना कि कहाँ कहाँ पर पॉइंट्स हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, ओके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर से मैं बोल रहा हूँ लाइक कर दो, कोई का डाउट हो तो कमेंट कर देना, बिना भूले कमेंट कर देना, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, सी यू, टेक केयर।